ले चलते हैं आपको शाहजहांपुर की इस वक्त की अगली खबर की ओर। जी हाँ, जहां पर एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर डॉक्टर ने ली महिला की जान। आपको बताते चलें कि महिला करती थी हॉस्पिटल में काम और जहां पर डॉक्टर ने उस पर लगाए थे चोरी के आरोप। उसके बाद देर रात डॉक्टर उसके घर में घुसे, महिला के साथ इतनी मारपीट की कि महिला की हुई मौके पर मौत, जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन लगा है जांच पड़ताल में। नमस्कार जी, मैं कुशवाहा। तुमने कैलकुलेट भी कर लिया, रुपया पूरे मुल्ला है चिनौर। इस चिनौर में एक महिला की एक संदिग्ध परिस्थितियों में एक मृत्यु हो गई है। वो आदमी उसको ये नहीं पता चल रहा है कि उसको हत्या है क्या आत्महत्या है। सुना जा रहा है कि एक नर्सिंग होम है, एक हॉस्पिटल है, उसमें काम करती थी। वहां पे इसको ये एक चोरी का इल्जाम लगा करके उसको परेशान किया गया। और उसने क्या किया, कैसे वो उसके मृत्यु हुई, कैसे नहीं मृत्यु, हमें बात करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, ये बताइए जो महिला मृत्यु हुई है ये क्या करती थी पहले? इनके घर में काम करती थी, आज से 10 साल पहले से कर रही है। 10 साल पहले से? जी जी। कौन से अस्पताल में? के अस्पताल में। के अस्पताल में काम करती थी। तो क्या इनके जो इल्जाम लगाई है, सुना जा रहा है चोरी वाला। इसने इल्जाम लगाया कि 2 लाख रुपए हमारे उठा लिए और रात के 2 बजे आकर के मारा पीटा इनको सबको। मारे पीटने के बाद कहा पुलिस लाएंगे, फिर पुलिस बुलाई और 2 सिपाही ला करके उसके आदमी को ले गए थाने। और थाने में ले जा करके वहाँ टाजिर उसको किया और इधर कहेगा कि तुमको सबको भी ले जाएंगे। रात के 2 बजे आके उस महिला के घर में मारपीट की। डॉक्टर साहब ने पूरे ने डॉक्टर साहब मिसेज ने उसकी मिसेज को मारा। अभी 1 लाख रुपए पन्नी में रख दी है। कहा कि 1 लाख कहाँ, 1 लाख रखे हुए हैं, 1 लाख रुपए पन्नी में। चोरी का इल्जाम लगाया। चोरी इससे 10 साल पहले एक महिला और इतना मर चुकी है, उस पर भी इसने चोरी का इल्जाम लगाया था। उसके ऊपर चोरी वाला इसके बेसमेंट में खुदकशी की थी उस महिला ने भी। 2 लाख रुपए उस पर इल्जाम लगाया था इसने। इनका ये रवैया अगर रहा तो, अगर वो 3 साल पुरानी महिला काम कर रही है, नहीं 10 साल 10 साल से काम करे तो ये तो ऐसा कर ही नहीं सकते कोई। नहीं, 2 लाख रुपए आदमी ऐसे हवा में रख देगा, बाहर रख देगा। उनके कैमरा भी लगे हुए हैं और सीसीटीवी कैमरा भी तुम्हारे लगे हुए हैं। जब उनके सीसीटीवी कैमरा लगे तो वहाँ पे तो चेक कर सकते चोरी की नहीं की है। तीसरी चीज भाई, रुपया जो रखा हुआ तुमने पन्नी उठा कह दिया 1 लाख मिल गया, कैसे गिन लिया पन्नी के अंदर 1 लाख रुपया आपने? चोरी तो बताइए, मैं चोरी जो करेगा तो कटिंग ना होती है चलता ना। चलो भैया, क्या नाम आपका? प्रमोद सिंह। प्रमोद श्रीवास्तव। ये आपके पत्नी थी जी? इतने कब से काम करेंगे वहाँ पे? वहाँ पे 3 साल। 3 साल कंटिन्यू काम करें थी। क्या करा डॉक्टर, क्या हुआ था? हुआ क्या है, हम जब सैलरी मांगी 3 साल की तो उनने चोरी का इल्जाम लगाया। 3 साल सैलरी नहीं दे रहे बिल्कुल ही, तो चोरी का इल्जाम लगाया था। उसके बाद क्या करा? फिर वो 2 बजे रात में आए, उनके साथ में उनके कंप्यूटर थे, उनकी मैडम थी, उन्हें कमरा बंद करके हम लोगों को साइड में कर दिया। उन्हें कमरा बंद करके छानबीन की कि मेरे घर में चोरियां हुई तो हम छानबीन तो करेंगे, तो हमने कर लो। उन्हें पता नहीं कौन क्या धमकी दी क्या नहीं, और उन्हें पा दिया। लेकिन फांसी लगा दे तो नाक से खून वगैरह बस लोग बता रहे हैं, यही कैसे आ सकता है? अब तो पता नहीं खून तो आ रहा है ऐसा नहीं कर आपके सामने, आपको साइड करके उन्हें मारा पीटा हो। हम लोग तो बंद थे कमरे में, बंद कर दिया था आपको कमरे में? नहीं, इनको पूरे थाने में बंद करवाया। थाने में थे जहां थे वो थाने में उठवा दिया था। हाँ, ये थाने में बंद थे, बच्चे थे। ये कौन से उनका नियम हुआ भैया? रात के 2 बजे। हाँ, दो पुलिस वाले सुबह आए, हम तो सुबह आए जब वो लड़की बच्चों को मोबाइल भी ले लिए बता रहे हैं। पुलिस वाले से उनको था, उन्होंने आपको थाने में बंद करा दिया और घर में आके उन्होंने पूरे स्टाफ के साथ मारपीट की। इसके हम लोग क्या करें, उधर खड़े हो पीछे कुछ लोग आ रहे हैं पीछे इधर। अब आत्महत्या कर सकते हैं पीछे का, अगर चोरी का इल्जाम लगाया था तो उनका एक फर्ज था कि आप जाते थाने में FIR करा सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया ये होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है। डॉक्टर साहब को ज्यादा चाहिए था थाने में FIR करते कि भैया इस महिला ने हमारे इतने सालों काम कर रही थी, इसने चोरी की है, तो पुलिस अपना काम करती। लेकिन ये तरीका कौन सा कि आप 2 बजे रात को आके उसके घर पे मारपीट करते हैं और आपको थाने बंद करा दिया? ये तो गुंडागर्दी थी सर, गुंडागर्दी की उन्होंने। हमें कायदे का मोबाइल ले लिए सबके, बच्चों का गुंडागर्दी का मामला है, बच्चों के मोबाइल सबके लिए।